चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मैथ्स पढ़ना। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में यानी कि पिछले वीडियोस में 5.2 का कुछ थ्योरी पढ़े थे और हम लोग ये भी पढ़े थे कि 5.2 के थ्योरीज में और हम लोग की कुछ बच गई थी और हम लोग का कुछ बाकी रह गया था। तो चलिए 5.2 का जो बाकी रह गया था वहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 5.2 का अब जो थ्योरी है, अच्छा कल का जो थ्योरी पढ़े थे उसमें 5.2 का 9 नंबर और 10 नंबर क्लियर हुआ था। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं जिसका टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन एक थ्योरी है। अब इसमें कुछ बात लिखा हुआ है और आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके वीडियोस को और फिर समझेंगे। लेट y बराबर कोई फंक्शन है, प्यारे छात्रों y का वैल्यू fx है, fx का मतलब कुछ भी, 2x2, 3x2, 4x+3x, 4x3+2x, fx का मतलब कोई भी फंक्शन किसमें, तो x में, आपको पता होना चाहिए। अब छोटी छोटी चीज को समझेंगे, लेट y बराबर fx, fx का मतलब क्या होता है, तो fx का मतलब होता है कोई भी x में फंक्शन, जैसे कि 5x3x2, यानी कि कुछ भी फंक्शन होना चाहिए लेकिन x में होना चाहिए, इसीलिए यहां लिखा हुआ है fx, राइट, इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू, देखिए wrt का मतलब, w का मतलब होता है विथ, with, r का मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और t का मतलब टू, तो इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू wrt, x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब बहुत बढ़िया, अब हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, तो अगर कोई फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे वो कहलाएगा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को कैसे दिखाते हैं, तो dy/dx या f'x, अगर एक दिया हुआ है तो इसको समझना है f'x। अगर कोई भी फंक्शन को हम अगर डिफरेंशिएशन करना अगर हमको बोल दिया जाए तो हम उसको कैसे सूचित करेंगे, dy/dx से सूचित करेंगे, dy/dx या फिर f'x से सूचित करते हैं। चलिए अगर मान लिया एक एग्जांपल से हम लोग चले, तो y = x² है, y = x², अब y = x² है तो अभी हम लोग क्या सीखे कि इस y को अगर x² का वैल्यू हमें दिया है फंक्शन x में है, अब अगर हमको डिफरेंशिएशन करने बोलेगा तो हम लोग सूचित कैसे करते हैं, तो dy/dx से सूचित करते हैं या फिर f'x से सूचित करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात देखा जाए तो ये y है तो हम इसको लिख सकते हैं dy/dx, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस y के जगह पे x² है तो अब हम लोग पुट करना सीखेंगे dx² / dx, क्योंकि यहां y = x² था तो हम dx² / dx लिखेंगे। और अभी यानी कि अभी तक के तो हम लोग यही सीखे ना कि अगर कोई फंक्शन है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जैसे यहां पे y = x² था तो हम ये जो नीचे लिखते हैं ना ये x के रिस्पेक्ट में x² का डिफरेंशिएशन हुआ। d का मतलब डिफरेंशिएशन और इसको हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x² का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब हुआ कि x जब कभी भी होगा तो नीचे होगा, x जब कभी भी होगा तो नीचे होगा, कब, जब हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने बोला जाए तो। ध्यान से समझिएगा, भले हम आधे घंटे में
35 मिनट में एक ही पॉइंट सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अगर दिया रहेगा तो उसको डिफरेंशिएशन करने का तरीका कैसे होना चाहिए, तो dy बटा dx, यानी कि जो y का वैल्यू दिया रहेगा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको पढ़ेंगे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इन इंग्लिश। इसको पढ़ेंगे अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग रीड करते कैसे हैं, रीड एज डिफरेंशिएशन, डी आई डबल एफ का मतलब समझ जाइएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा, सॉरी बटा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ते हैं। अब इसके आगे जो रिजल्ट आएगा वो फार्मूला से हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसका कुछ डिफरेंशिएशन करने का कुछ फार्मूला है। अब जो फार्मूला है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, इसके बाद हम लोग फार्मूला ही पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसके बाद एक फार्मूला होता है कि जब x के पावर में रहे और डिफरेंशिएशन करना रहे तो 2 को बाहर कर देते हैं और x लिखते हैं, और 2 है तो 2 में से 1 घटा देते हैं, यानी कि 2x आ जाता है। यानी कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। यू कहें तो dy by dx का वैल्यू कितना होगा, 2x। ध्यान रहे दोस्तों, अगर कोई फंक्शन दे देगा y बराबर कुछ भी देगा, आपको दो चीज कहेगा, या तो dy by dx निकालने के लिए कहेगा, तब पर भी आपको समझना क्या है कि डिफरेंशिएशन निकालना है। अगर सवाल में y बराबर एक्स स्क्वायर दे के ये बोल रहा है कि आप डिफरेंशिएशन करो, क्या बोलता है आपको, डिफरेंशिएशन करो, इसका मतलब है कि हमें dy by dx निकालना है। कुल मिलाकर बात ये हम बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है dy by dx, नहीं तो फिर f डैश x, जो ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो dy by dx का इस्तेमाल करते हैं, dy by dx का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी y बराबर अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा उसको x के रूप में, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर x स्क्वायर है तो अगर हमको इसको डिफरेंशिएशन करना होगा तो सबसे पहले dy by dx लिखेंगे। अब dy by dx लिखने के बाद y का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको यहां पे पुट कर देंगे। अब इसको पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब अगर पावर रहता है तो ये चीज होता है, हालांकि अगर ये चीज समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये फार्मूला पे है, ये इसके बाद का चीज अगर समझ में नहीं आ रहा अभी तो वेट। चलिए, या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं और कि जो dy by dx आया कितना आंसर आया, 2x, इसी को हम f डैश x भी बोल सकते हैं। याद रखिए यहाँ पे y कभी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x में फंक्शन दिया है, तो f डैश x इज इक्वल टू कहा, 2x। यानी कि अगर हमें y बराबर अगर कोई x में फंक्शन दिया रहेगा तो यहाँ f डैश x लिखना है और उसका हम डायरेक्ट वैल्यू 2x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एग्जामिनर समझ जाएगा कि उन्होंने, उस छात्र ने क्या किया होगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन करके उन्होंने 2x लिखा। तो आपको ये चीज से मतलब नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन करके आंसर आता है उसको आप f डैश x बराबर 2x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन आपका इसका कितना आया है, 2x आया, राइट। तो हम लोग ज्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग ये सीख रहे थे कि डिफरेंशिएशन को dy by dx से भी सूचित कर सकते हैं या फिर f डैश x से भी सूचित करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करेंगे dy by dx। हालांकि इधर वाले जो फार्मूला अभी यूज किया जा रहा है इससे मतलब नहीं है, आप यहां तक के भी बात सीखिए कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। चलिए लेट अस अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एग्जांपल।
एग्जाम्पल नंबर ये वन था, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। टेल छात्रों अगर y का वैल्यू हमें 5x का q दिया रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि y हमेशा जो देगा वो x में फंक्शन देगा। अब x में जब भी फंक्शन देगा और हमको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी हम लोग का आंसर आएगा। तो अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस है हम लोग लिखेंगे dy बटा में dx, क्योंकि y बराबर ये चीज सवाल है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते वक्त हमको लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन में लिखा ही जाता है, आप याद कर लो dy बाई dx। इसको मतलब क्या हुआ कि y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। यू बोले तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग y के जगह पे कितना पुट करेंगे, 5x का q। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, y के जगह पे लिखेंगे 5x का q बटा में dx। अब ये इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x q विद रिस्पेक्ट टू x, हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही होता है, इसका मतलब नीचे में जो होता है वो हमेशा x होता है। अब इसका इसका जो प्रोसेस है, इसको हम लोग करने का जो तरीका होता है कि जो अंदर में कांस्टेंट है, 5 रहे 4 रहे 8 रहे 10 रहे, उसको हमेशा बाहर निकालते हैं। तो यहाँ क्या है, 5, तो 5 को अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर में बचेगा डी एक्स क्यू बट्टा में डी एक्स, यानी कि अगर यहाँ 5 रहेगा 4 रहेगा तो 5 को बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा डी एक्स क्यू बट्टा में डी एक्स। अब आगे अगर हम लोग काम करेंगे तो 5 का तो 5 जो बाहर निकल जाता है वो निकल ही जाता है। अब इसका फॉर्मूला होता है कि x के पावर में अगर कुछ भी रहेगा और x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो पावर को बाहर करते हैं, तो यहाँ 3 है तो 3 को बाहर करेंगे फिर इनटू लिखेंगे। अब किसका पावर है, तो x का पावर है, तो यहाँ लिखेंगे x और जितना पावर रहेगा उसको 1 घटाते हैं, पावर में कितना है 3, तो उसको 1 माइनस करेंगे, तो टोटल मिलाकर आंसर जो आएगा 5 3 15 और x के पावर में 3 में से 1 गया तो आंसर आ जाएगा 15x स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब कि इसके बाद जो प्रोसेस होता है, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो फार्मूला पे है, और अभी हम लोग फार्मूला पढ़े नहीं है, तो आप बिल्कुल इतना चीज समझिए कि अगर कोई हमें फंक्शन y इक्वल टू दिया रहेगा और उसको हमको डिफरेंशिएशन करना बोलेगा, डिफरेंशिएशन करना भी बोल सकता है या फिर आपको ये बोल सकता है कि आप dy बाई dx निकालो, तो आप dy बाई dx भी निकाल सकते हैं या फिर आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे का जो फार्मूला है उसको हम लोग सीखते हैं कि उसको फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, और दूसरा बात कि फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे वो बिल्कुल वीडियोज को पॉज करके आप पूरा का पूरा फार्मूला फ्रेश नोट कर लेना है, फिर उसको याद भी करना है और उसका कैसे यूज करना है हम सबका यूज भी बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फार्मूला, तो चलिए देखते हैं फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कितना फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, तो फिलहाल 8 फार्मूला है। अब 8 फार्मूला को पहले हम लोग समझेंगे, उसके पहले आपको क्या करना है वो थ्योरी में, अभी हम लोग थ्योरी चल रहे तो बार बार यहाँ थ्योरी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टॉपिक्स में लिखा हुआ है फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। अब फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको टोटल अभी फिलहाल 8 फार्मूला है, अभी 8 तक का ही यूज है हम लोग का 5.2 में, तो हम लोग का ये 5.2 के लिए 8 फार्मूला सफिशियंट है, इसलिए आपको अलग अलग एक्सरसाइज वाइज आपको थ्योरी दिया जाता है कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं हो, आप आसानी से उसको कर पाओ, इसलिए आपको जिस एक्सरसाइज में जितना फार्मूला का यूज होता है उतना ही आपको बताया जाता है। अगर 5.3 में, हालांकि वो डिफरेंशिएशन उसमें भी पढ़ना है, तो अगर उसमें जो फार्मूला का यूज होगा तो उसमें हम लोग अगले दिन देंगे, यानी कि जब 5.3 का स्टार्ट होगा उसका थ्योरी हम लोग देंगे। फिलहाल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ये 8 फार्मूला है, आपको जैसे हम नोट किए हैं वैसे ही नोट कर लेना है कॉपी में, लेकिन समझना है सबका मीनिंग क्या है।
अगर मान लिया कि इधर तो नोट हो गया होगा, तो इधर हम टॉपिक्स को मिटा देते हैं और जैसे जैसे फार्मूला को समझेंगे उसको हम मिटाते जाएंगे ताकि मेरे पास स्पेस बनता जाएगा, जगह बनता जाएगा, आपको हम अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर लेके समझाते चले जाएंगे। आपको एग्जाम्पल को नोट नहीं करना है, आप फार्मूला को नोट करना है और फिर पूरा का फार्मूला। जैसे मान लिया पहला फार्मूला है एक्स के पावर एन बटा डीएक्स, इसका मतलब डी डी तो लगा हुआ ना रहेगा ही क्योंकि ये डिफरेंशिएशन को दिखाता है, लेकिन और नीचे में भी एक्स रहेगा क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, नीचे सब में नीचे में एक्स आपको मिलेगा डीएक्स। डी का मतलब डिफरेंशिएशन, ऊपर नीचे वाला डी का मतलब डिफरेंशिएशन और नीचे वाला जो एक्स है उसका मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए पहला जो फॉर्मूला है ये बता रहा है कि अगर x के पावर अगर कुछ भी होता है, अगर x के पावर 4, x के पावर 8, तो पावर में जो n रहेगा उसको बाहर निकालना है और फिर इनटू, यहां पे का मतलब इनटू x के पावर देना है n माइनस 1, यानी कि n में से घटा लेना है। जैसे एग्जांपल हम पहला का देते हैं, अगर मान लिया कि डिफरेंशिएशन करना रहेगा, ये हमेशा पावर वाला रूल है, y बराबर x के पावर 8 रहेगा, y बराबर x के पावर 8, तो आप ऐसे ना लिखेंगे dy बटा dx और dx के पावर 8 बटा dx। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पावर में कितना है 8, तो पावर वाला 8 को बाहर निकालते हैं, पावर वाला n को बाहर निकाले तो यहां हो जाएगा 8, फिर इनटू जिसके पावर है, किसका पावर है, x का पावर है, तो यहां x लिखेंगे। अब जितना पावर है उसमें से एक घटा लेना है 8 माइनस 1, तो टोटल बन जाएगा 8x के पावर 7। यानी कि आपको कुल मिलाकर ये बात समझना चाहिए कि अगर x के पावर कुछ भी रहेगा, अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो माइनस को बाहर निकाले सॉरी पावर को बाहर निकालेंगे और पावर में से ही एक घटा लेंगे। चलिए पहला का ही एक और एग्जाम्पल देते हैं, अगर यहां y बराबर x के पावर 8 नहीं होता, x के पावर -3 होता, तब हमको डिफरेंशिएशन करने बोलता तो हम क्या लिखते हैं, dy बटा dx, यानी कि d y के जगह पे कितना पुट करते हैं, तो x के पावर -3 बटा dx। अब पावर हमको निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे उससे मतलब नहीं है, यानी कि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर x के पावर n है तो n का मान कुछ भी रहेगा, यहाँ n का मान क्या है -3, तो x के पावर -3 बटा dx। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करने बोलेगा तो पावर में क्या है -3, तो -3 को हम पहले लिखेंगे इनटू, अब किसका पावर में है भाई, तो x के पावर में है तो x लिखेंगे। अब पावर में से हमेशा क्या करते हैं, एक घटाने वाला रूल है, n अगर पावर रहेगा तो n माइनस 1, तो यहां हो जाएगा -3, तो ऑलरेडी n है उसमें से एक घटा लेंगे तो टोटल आंसर हो जाएगा -3 x के पावर -4, -3 और -1 -4। तो कुल मिलाकर पहला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि अगर x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n का मतलब क्या, कुछ भी नंबर चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अगर पावर में अगर x के पावर कुछ भी रहेगा तो पावर को पहले निकालना है और x के पावर उसमें से पावर में से एक घटा देना है। तो ये था पहला हम लोग, तो पहला हम लोग समझ गए और आपको याद रखना होगा ये 8 फार्मूला कि अगर x के पावर n जैसा अगर डिफरेंशिएशन रहेगा तो डायरेक्ट लिखना है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। चलिए अब नेक्स्ट जो है नंबर 2, इसका फार्मूला है अगर कोसेक्स रहेगा, याद रहे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक 6 तरह का होता है, साइन एक्स, कोसेक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, तो टोटल मिलाकर हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और 6 का वैल्यू होता है। यहां पे अगर कोसेक्स रहेगा और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने बोलेगा तो कोसेक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है माइनस साइन एक्स, ये चीज आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर कहीं भी सवाल में अगर डायरेक्ट ये आएगा तो हम डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर अगर बात यह है कि cos x का जो डिफरेंसिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस sin x, cot x का क्या होगा डिफरेंसिएशन, तो माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, cosec, cosec का स्क्वायर करेंगे फिर x, यानी कि cos x का डिफरेंसिएशन माइनस sin x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का यहां लिखा हुआ है cosec x, यानी कि cosec x का जो डिफरेंसिएशन होगा वो क्या होगा, तो माइनस cosec x इंटू cot x, यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है ये हमें याद रखना पड़ता है कि cosec x का जो डिफरेंसिएशन होता है वो माइनस cosec x इंटू cot x होता है, इंटू cot x। फिर आगे बढ़ते हैं तो sin x का जो डिफरेंसिएशन होगा, sin x का डिफरेंसिएशन वो होगा cos x, sin x का डिफरेंसिएशन cos x, या फिर ये बोल सकते हैं डिफरेंसिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x, यानी कि नीचे तो हमेशा विद रिस्पेक्ट में ही होता है, नीचे के रिस्पेक्ट में ही होता है, लेकिन हमें ऊपर का वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि sin x का डिफरेंसिएशन नीचे तो हर में dx dx लगा देता है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में, sin x का x के रिस्पेक्ट में याद रखिएगा cos x होता है, tan x का x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है। कोई बोलेगा कि सर d tan x है और बेटा dx नहीं है dp है, तो क्या हम लिख सकते हैं tan x का, तो यहां पढ़े ना sec स्क्वायर x, तो जी नहीं, ऐसा लिखना गलत है, क्यों, क्योंकि जब यहां tan x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि tan यहां x होगा और d यहां कुछ और हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही हम लोग का पूरा डिफरेंशिएशन होता है, राइट, यानी कि जो हम लोग नीचे में तो फिक्स है dx ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, अगर यहां tan p होता तब हम लोग यहां dp लिखते, अगर मान लेते हैं कि हमें सवाल पूछता कि y बराबर अगर tan p है तो tan p है तो आप डिफरेंशिएशन निकालो, y बराबर क्या है tan p, तो जब y बराबर अगर tan p है तो हमें डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको dy बटा dx नहीं लिखेंगे, अब आपको डिफरेंशिएशन का मतलब देखना है कि y जो है किस में फंक्शन है, तो p में फंक्शन है, तो यहां लिखेंगे dy बटा dp, तो dy के जगह पे tan p बटा dp, तब हम लोग tan p को p के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अब यहां पे लिखेंगे sec स्क्वायर p, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जैसा ऊपर में रहेगा फंक्शन वैसा ही नीचे में रहना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर में x है तो नीचे में हम p नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर सवाल में अगर p दिया है तो आपको नीचे p करना पड़ेगा, तो इस तरीके से यहां पे d tan x को x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। उसी तरीके से आपको अगला जो 7 नंबर फार्मूला है sec x का डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, sec x into tan x, और एक लास्ट वाला जो 8 नंबर है वो c है, c का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, तो जीरो। अब इसको जरा समझते हैं ये क्या बोल रहा है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर 2, 4, 8 -10, -11, -55 कुछ भी का डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो। जैसे मान लिया कि d 15 का डिफरेंशिएशन, 15 का डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो, d 8 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब कब पता चलता है, तो नीचे dx लिखा हुआ रहता है उसका वैल्यू जीरो, अगर d का वैल्यू -8 रहेगा तो कितना होगा, तो ये भी तो एक नंबर है ना, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी होता है, तो c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नंबर, और कोई भी नंबर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस में होगा जीरो होगा, कोई भी नंबर चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो लेकिन डिफरेंशिएशन होगा जीरो, हम ये बात बोल रहे हैं किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन, ये नीचे dx लिखा होना जरूरी है, अगर नीचे dx नहीं लिखा रहेगा तो फिर यहां पे प्रॉब्लम है, इसलिए नीचे dx जरूरी है। तो किसी भी अगर फंक्शन का अगर हमें
डिफरेंसेस से निकालना होगा, तो फिलहाल एट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये एट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आप ये फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ भी गए होंगे। और बिल्कुल आप, चूंकि क्लास तो है नहीं कि हम सबको खड़ा करके एक एक से पूछेंगे, आपको अपने से ईमानदारी से याद रखना होगा। आपको क्या करना है, एक बार फार्मूला को दो बार तीन बार पढ़ लेना है, याद कर लेना है, फिर आराम से अपने मन में पूछना है कि टेन एक्स का क्या होगा। सवाल को उसके आगे आप कहीं से भी क्वेश्चन, चूंकि इतना ही है ना, एट है, तो आप जो बोर्ड रहता है उस पर आप लिखिए कि टेन एक्स का क्या होता है। खुद से लिखिए, खुद से क्वेश्चन, खुद से आंसर, यही तो प्रैक्टिस है। तो कहने का मतलब है इसको प्रैक्टिस कीजिए, और फिर अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी कुछ थ्योरी है उसको कैसे यूज करना है, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो फिर हम लोग का प्रैक्टिस होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।